हेलो फ्रेंड्स, डीके क्रिप्टो न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि मार्केट में इतना पैनिक क्यों है, इतना मार्केट इतना क्रैश क्यों किया। आप देख सकते हैं इधर पूरा मार्केट पूरा क्रैश हो चुका है। बिटकॉइन सभी जितना भी ऑल्ट कॉइन है, बिटकॉइन है जितना भी सभी कॉइन आप देख सकते हैं इधर लिस्ट में सब क्रैश हो चुके हैं। इतना इतना बड़ा मार्केट क्यों डंप हुआ है, मार्केट इतना डाउन क्यों जा रहा है। मार्केट डाउन जाने का एक ही रीजन है, ये बिटकॉइन को चाइना में बैन कर दिया गया है। आप देख सकते हैं आर्टिकल से बिटकॉइन बैन इन चाइना। आप देख सकते हैं बिटकॉइन, आप ये लाइन देख सकते हैं, चाइना में बिटकॉइन ट्रांजेक्शन को बैन किया गया है। आप पूरा न्यूज पढ़ सकते हैं, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप पूरा न्यूज पढ़ लीजिएगा, देख लीजिए। आप ये न्यूज देख लीजिए, चाइना बैन द क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन, चाइना बैंक एंड पेमेंट इंस्टीट्यूशन। आप देख लीजिएगा, मैं इस सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं आप देख लीजिए चाइना में बैन कर दिया, नहीं इसलिए आप मार्केट पूरा क्रैश हो रहा है। और इसका रीजन है, मार्केट में क्रैश होने का दो रीजन है, एक तो चाइना ने बैन किया है और एक एलोन मस्क ट्वीट ऐसा कर दिया जिसके कारण पूरा मार्केट पैनिक में चला गया। मैं आपको सब चीज़ दिखा देता हूँ। मैं आपको चाइना में साफ सीधी तरह बैंक को मना कर दिया गया कि कोई भी क्रिप्टो करेंसी में लेन देन नहीं करना है। चाइना गवर्नमेंट ने यहाँ तक कि इसका डेट भी एक्सटेंड कर दिया है कि भाई कोई भी बैंक से, बैंक हो या कुछ भी इंस्टीट्यूशन हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई भी जो क्रिप्टो करेंसी लेन देन करे उन सबको बैन किया है, उसका और एक्सटेंड भी किया है। आप देख सकते हैं ये चाइना एक्सटेंड इट्स क्रिप्टो करेंसी बैन टू बैंक पेमेंट्स कंपनी। ये सब आज ही का न्यूज है, जो मैं बता रहा हूँ मैं ये आज ही का न्यूज है। आप देख सकते हैं May 19 का जितना भी मैं बता रहा हूँ उसे, ये आज का न्यूज है। आप देख सकते हैं जितना भी May 19, 2021 का टाइमिंग भी देख सकते हैं आप। हम एक और आर्टिकल देख लेते हैं। देखिए मैंने आपको टोटल चार आर्टिकल्स दिखाए हैं बिटकॉइन के ऊपर जो चाइना ने लिखा है, ये चाइना बोल रहा है। आप देख सकते हैं इसमें भी बोला गया, ये भी आर्टिकल देख लीजिए आप, देखिए कितना लिखा हुआ है इसके बारे में। चाइना सब चाइना चाइना, बस चाइना ने पूरा बिटकॉइन के ऊपर बैन का जो न्यूज डाला है इसके ऊपर इतना चला है। अब देख सकते हैं जितना भी चाइना क्लेम डाउन द क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन, इसका मतलब क्या होता है, चाइना ने अपना क्रिप्टो करेंसी में लेन देन जो भी बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो भी इसमें थे उन सबको मना, कोई भी आप क्रिप्टो करेंसी में लेन देन नहीं कर सकते। और हाँ, एलन मस्क ने भी ऐसा ट्वीट किया जिसके कारण मार्केट बहुत डाउन जा रहा है। हम दिखाए थे एलन मस्क क्या ट्वीट है, आप देख लीजिए, एलन मस्क ट्वीट दिखा देते हैं हम आपको। देख लीजिए एलन मस्क ट्वीट देख लीजिए आप, टेस्ला सस्पेंडेड व्हीकल्स परचेस यूजिंग द बिटकॉइन, वी आर कंसर्न अबाउट रेपिडली इंक्रीजिंग यूज ऑफ फ्यूल एंड बिटकॉइन माइनिंग एंड ट्रांजेक्शन स्पेशली कोयल विच हैज टू वरिस्ट इमेजन ऑफ एनी फ्यूल। ये यही बोलना चाहते हैं कि टेस्ला ने जो भी है, टेस्ला से पहले इन्होंने लॉन्च की, आप बिटकॉइन से टेस्ला के कार जितना भी है, कार्स व्हीकल्स वो सब आप परचेस कर सकते थे। अब उन्होंने जाए सस्पेंडेड कर दिया कि आप, अब इनका ऐसा बोलना है कि आप बिटकॉइन से आप कोई भी कार उनका जो भी है टेस्ला का वो बाई परचेस नहीं करना है। ये भी कहना है कि बिटकॉइन के माइनिंग में बहुत इलेक्ट्रिक यूज होता है बहुत, इसलिए ये हमारे नेचर को भी इफेक्ट कर सकता है। और इसलिए इन्होंने अपना टेस्ला कंपनी को मना किया कि भाई हम कोई भी कार बिटकॉइन के थ्रू नहीं सेल करेंगे। तो फिर तो हम तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि भाई आपका जो जितना भी टेस्ला का कार रन कर रहा है वो सब इलेक्ट्रिसिटी पे ही है, फिर तो उसको भी बैन कर दिया जाएगा। इस हिसाब से आप बोले कि माइनिंग माइनिंग में बहुत इलेक्ट्रिसिटी खर्चा हो रहा है, तो भाई आपका आपकी इलेक्ट्रिक कार भी है वो भी उतने फ्यूल यूज कर रहा है, तो आप कैसे बोल सकते हैं बिटकॉइन माइनिंग में बहुत सारा बिजली लग सकते हैं। आप देख ही सकते हैं उन्होंने डायरेक्ट, साफ सीधी बात बताऊं मैं आपको, तो उन्होंने डायरेक्ट डॉज कॉइन को प्रमोशन के लिए ऐसा किया हुआ है। मतलब जो भी है डॉज कॉइन ही आके टाइम पे, डॉज कॉइन ही ले लो, सब ले लो, डॉज कॉइन ही आके टाइम में, देखो सब ट्यूट आप देख सकते हैं सब डॉज कॉइन के ऊपर ही है। मतलब उन्होंने एक तरह से बोला जाए तो वो बोल रहे हैं बिटकॉइन फेक है, ये सब सुन के सबसे ऐसा चल रहा है, इसलिए बिटकॉइन पीछे हाथ धोखे पड़ गए। बस उनको डॉज ही दिख रहा है, डॉज ही दिख रहा है, डॉज बस डॉज ही कॉइन है मार्केट में, कोई कॉइन नहीं है बस डॉज को। इसका मतलब एक तो ये बात हो गया कि ये सारा कंपनी टेक ओवर करना चाहते हैं, जैसे बिटकॉइन को पहले टेक ओवर करना चाहते हैं कि भाई बिटकॉइन सब सेल करते जाए, हम बाई करते जाए, करते जाए और अपने स्टोर करते जाए। इसे क्या होता है, कोई भी कंपनी को अब टेक ओवर करना बहुत ईजी हो जाता है। आपके इनके जितना ज्यादातर टिप देखेंगे सब डॉज कॉइन के ऊपर ही है, सब बस जो भी है डॉज कॉइन है, डॉज कॉइन। देखिए इन्होंने डॉज कॉइन के भी एक्सेप्टेशन और ये सुनो भी डाला है इन्होंने कि भाई डॉज कॉइन कितना परसेंटेज है, भाई कौन एक्सेप्ट कर रहा है, कितना परसेंट है इनके ऊपर, वो भी डाला है, देख लीजिए आप भाई। आप डॉज कॉइन के पीछे क्या है इन्वेस्टर का, मतलब जो भी है डॉज कॉइन ही है आज के टाइम पे, बस इनके हिसाब से, एलोन मस्क के हिसाब से ये है। इनके दो ही रीजन है भाई, मार्केट इतना डंप क्यों जा रहा है, आप देख लीजिए मार्केट कितना डंप जा रहा है। ये डंप जाने का एक ही कारण है, पूरा मार्केट रेड जा रहा है,
ब्लीडिंग हो रहा है मार्केट में, देख रहे हैं आप सभी। इसका कारण तो ये एक एलन मस्क ट्वीट कर दी है भाई बिटकॉइन को लेना नहीं है, हम कोई गाड़ी सेल नहीं करेंगे, कोई भी हम गाड़ी सेल नहीं करेंगे बिटकॉइन के फॉर्म में, इसलिए मार्केट डाउन जा रहा है। और ऊपर से चाइना का न्यूज आ गया कि भाई क्रिप्टो करेंसी को हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे, क्रिप्टो करेंसी बैंड कर रहे हैं चाइना में बिटकॉइन को लेके। ये तो चाइना का न्यूज तो हमेशा आते रहता है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है कम्युनिटी ऊपर। आज के लिए इतना ही, आगे हम मिलते हैं, चलिए थैंक यू। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट मिलते रहे आपको। थैंक यू।